Assalamualaikum. My name is Ruksana and today I am going to discuss kingdom plant life cycle of moss. Moss को funaria भी कहते हैं, यानी moss इसका common name है और इसका special name इस वक्त जो हम discuss करने जा रहे हैं plant उसका special name है funaria या specific name है funaria. Funaria की life cycle को देखने जा रहे हैं. अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है इसकी इम्पोर्टेंस है 2017 में, 2018 में, 2019 में, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं पिछले तीन साल से रेगुलर आ रहा है. उसके अलावा आपको जो डिस्क्रिप्शन होगी इस वीडियो की उसके अंदर इसकी मज़ीद डिटेल्स मिल जाएंगी. नेक्स्ट हम चलते हैं लाइफ साइकिल की तरफ. लाइफ साइकिल से पहले हम ये समझ लें कि जो फ्यूनेरिया है उसकी लाइफ साइकिल दो स्टेजेस पर मुश्तमिल होती है. एक स्टेज जनाब कहलाती है गैमेटोफाइट स्टेज, और गैमेटोफाइट स्टेज में जो प्लांट होता है उसे कहते हैं गैमेटोफाइट प्लांट. और गैमेटोफाइट प्लांट है तो यकीनी तौर पर गैमेट प्रोड्यूस करेगा. गैमेट जिस ऑर्गेन प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं एंथ्रीडिया. ठीक है, मेल गैमेट जहाँ प्रोड्यूस करेगा उसे कहेंगे एंथ्रीडिया, और फीमेल गैमेट जो ऑर्गेन होगा उसे कहेंगे आर्चिगोनिया. अब यहाँ गैमेटोफाइट का जरा स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग. गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है फ्यूनेरिया का जनाब. इसमें होता है ये जो बीच की ये डंडी आपको नजर आ रही है, ये डंडी है एक्चुअली इसका स्टेम. ये जो डंडी है ये डंडी कहलाती है स्टेम. ठीक है, अच्छा ये जो यहाँ पर नजर आ रही है आपको जड़ों की तरह के स्ट्रक्चर, ये कहलाते हैं इसके राइजोइड. और ये ग्रीन कलर की इसकी जो नजर आ रही है ये लीव्स हैं, यानी जो गैमेटोफाइट प्लांट है वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है, लीव, स्टेम एंड राइजोइड्स. अब देख लेते हैं स्पोरोफाइट. दो स्टेजेस हैं, एक स्टेज स्पोरोफाइट कहलाती है. स्पोरोफाइट स्टेज में स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं, और स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बाय मियोसिस. अब स्पोरोफाइट कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, ये जो हिस्सा है इसका जो गैमेटोफाइट में धंसा हुआ होता है ये हिस्सा कहलाता है फूट. अच्छा जनाब, इसकी जो डंडी है ये कहलाती है सीटा, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये कहला जहाँ पर स्पोरेंजिया लगते हैं ये हिस्सा कहलाता है इसका कैप्सूल. ठीक है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया है, दो स्टेजेस होती है ये बात भी समझ आ गई. अब लाइफ साइकिल की तरफ चलते हैं. लाइफ साइकिल को हम स्टार्ट करेंगे जनाब यहाँ से. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर वन पर. इसे दोनों को मैं रख देती हूँ क्योंकि ये एक प्लांट जो है वो मेल प्लांट है और एक प्लांट जो है वो फीमेल प्लांट है. ठीक है, यहाँ पर इसकी निशानी डाल देती हूँ, ये फीमेल है सपोज, और ये प्लांट जो है ये है मेल प्लांट. अच्छा, मेल प्लांट है, मेल गैमेटोफाइट है. गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर मैंने बताया वही तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है. ये इसकी जड़ें हैं जनाब, ये इसकी जड़ें हैं, ये इसके लीव्स हैं, और ये स्टेम है. यहाँ पर भी ये रूट्स यानी राइजोइड जड़ें जिन्हें मैं कह रही हूँ वो राइजोइड है, मेरा मतलब उनसे. ये इसके लीव्स हैं, और यहाँ पर एक्चुअली क्या लगा हुआ है, यहाँ पर इसके अगर ये फीमेल प्लांट है तो यहाँ पर बंच ऑफ आर्चिगोनिया प्रेजेंट होंगे, और अगर ये मेल प्लांट है तो यहाँ पर बंच ऑफ एंथ्रीडिया प्रेजेंट होंगे. ठीक है, क्योंकि मेल प्लांट पर एंथ्रीडिया लगते हैं और फीमेल प्लांट पर आर्चिगोनिया लगते हैं. अब यहाँ पर देखिए ये जो बंच आर्चिगोनिया का यहाँ पर लार्ज साइज में करके दिखाया गया, इसके अंदर बहुत सारे आर्चिगोनिया आपको नजर आ रहे होंगे. आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए डिटेल में नजर आ रहा है इस तरह का, और ये एंथ्रीडिया यहाँ पर बहुत सारे ये एंथ्रीडिया आपको नजर आ रहे होंगे. एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देती हूँ. एंथ्रीडिया इस तरह से होते हैं, और इनके अंदर इस तरह से खाने खाने बने हुए होते हैं, उनके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. ठीक है, तो ये जो जगह है यहाँ पर जो है ये एंथ्रीडिया है, और ये जो येलो कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली आर्चिगोनिया है. अब होता क्या है फर्टिलाइजेशन के वक्त गैमेटोफाइट प्लांट में, सपोज ये एंथ्रीडिया है तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म प्रोड्यूस होंगे. वो स्पर्म पानी के जरिए तैरते हुए कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे. मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आए. ठीक है, तो अब ये यहाँ से एंथ्रीडिया मूव करेंगे कहाँ, इस प्लांट के ऊपर यानी आर्चिगोनिया के ऊपर पानी के जरिए, पानी के जरिए क्योंकि ये एम्फीबियस प्लांट है. ठीक है, अब जब वहाँ आ जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जैसा कि ये इस जगह पर है तो यहाँ पर अब आ गए तो यहाँ पर क्या बना, जाइगोट बना.
जाइगोट बन गया। अब जाइगोट थोड़ा सा डिवाइड एंड री डिवाइड होगा, अपना साइज गेन करेगा, और साइज गेन करने के बाद इस जगह पर क्या निकलेगा, स्पोरोफाइट निकलेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर स्पोरोफाइट निकला हुआ है, यानी कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ये मेल प्लांट है, इसके ऊपर एंथ्रीडिया बने, एंथ्रीडिया में मेल गैमेट बने, मेल गैमेट वहां से पानी के जरिए मूव करके कहाँ आए, ये फीमेल प्लांट था, इस पे आर्चिगोनिया और फीमेल गैमेट था, यहाँ पर आए। अब यहाँ पर फ्यूज हुए, जाइगोट बना, तो यकीनी तौर पर स्पोरोफाइट भी यहीं पर ही बनेगा ना। ठीक है ना, स्पोरोफाइट भी यहीं पर ही बनेगा। तो एक्चुअली यही चीज साइकिल में इतना दिखाई गई है कि इसके अंदर के आर्चिगोनिया यहाँ बड़े करके दिखाए गए, इसके अंदर के एंथ्रीडिया यहाँ बड़े करके दिखाए गए, फिर आर्चिगोनिया को अलग से यहाँ मैक्रो करके दिखाया गया, आर्चिगोनिया में फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये देखें इस स्टेज में आर्चिगोनिया पर ही ये स्पोरोफाइट लगा। अब स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स बनते हैं, जब स्पोर्स मेच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होने के बाद ये देखें स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और क्या बनाते हैं, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोटोनिमा टाइप। तो ये यहाँ पर स्पोर्ट्स चार तरह के होते हैं, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, रिडक्शन डिवीजन के जरिए बनते हैं, चार हर स्पोर मदर सेल से चार स्पोर बनेंगे। सपोज देखो ये एक स्पोर मदर सेल है, अगर तो मियोसिस इसके अंदर होगी तो कितने स्पोर बनेंगे, चार बनेंगे, 1, 2, 3 और 4, और इसमें से दो जो स्पोर्स होंगे वो मेल प्लांट प्रोड्यूस करेंगे, दो स्पोर्स फीमेल प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। तो हम यहाँ पर देखो एक स्पोर ने यहाँ पर फीमेल प्लांट की जर्मिनेशन स्टार्ट किए, एक ने मेल प्लांट की जर्मिनेशन स्टार्ट किए, अगेन ये बड़े हो जाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, और गैमेटोफाइट फिर से इस साइकिल को रन करते रहेंगे। बहुत ही डिटेल साइकिल बीएससी में मौजूद है, लेकिन मैंने यहाँ पर इंटरमीडिएट के लिहाज से समझाई है, बहुत ही इजी करके, बहुत डिटेल में मैं नहीं गई हूँ कि किस तरह से स्पोर्स एक्चुअली डिवाइड हो रहे होते हैं या स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पर मैंने इंटर के हवाले से आप लोगों को समझाई है, होप कि आप लोगों को आसान लगी होगी। एक बार फिर रिवाइज कर देती हूँ, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, मेल गैमेटोफाइट पर एंथ्रीडिया लगते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट पर आर्चिगोनिया लगते हैं। आर्चिगोनिया में एग मौजूद होता है, एंथ्रीडिया से स्पर्म वाटर के जरिए मूव करके एग तक पहुँचते हैं, देन फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जर्मिनेट करके स्पोर्स स्पोरोफाइट प्लांट गैमेटोफाइट प्लांट के ऊपर ही बन जाता है, देन स्पोरोफाइट प्लांट में स्पोरेंजिया बनते हैं, उसमें एक स्पोर मदर सेल बनता है, और स्पोर मदर सेल मियोसिस के जरिए हैप्लोइड स्पोर्स बनाता है, वो हैप्लोइड स्पोर्स जर्मिनेट करके दोबारा हैप्लोइड गैमेटोफाइट बनाते हैं, आधे स्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, आधे स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ओके, इसकी डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मजीद डिटेल्स आपको मिल जाएंगी जो आप राइट डाउन कर सकते हो। जब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।